हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज ए जिसकी टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स। आज दोस्तों वी एपिसोड नंबर 5 और आज दोस्तों वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दिस थियोरम दैट स्टेट्स दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दोस्तों, वी आर गोइंग टू लुक एट दिस थियोरम इन मोर डिटेल और उसके बाद हम पता लगाएंगे हाउ वी कैन प्रूव दिस थियोरम इज ऑलवेज करेक्ट। सो चलिए दोस्तों, लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले दोस्तों, अबाउट द थियोरम, लेट अस अंडरस्टैंड कि थियोरम हमें क्या कहती है। सो थियोरम इज सेइंग इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम जो ऑपोजिट साइड्स है दे आर एक्चुअली इक्वल। सो पहली क्वेश्चन ये है दोस्तों, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। सो आपको मालूम है दोस्तों, फ्रॉम आवर एपिसोड 2 वी हैव टॉक्ड अबाउट पैरेललोग्राम इज सच ए क्वाड्रिलैटरल जहां पे ऑपोजिट पेयर्स, बोथ पेयर्स जो है आपकी, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स दे आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर। सो एक काम करते हैं दोस्तों, लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। सो आप देखोगे दोस्तों, यहां पे वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम। चलिए इसे नाम देते हैं ए, बी, सी, डी। सो ये दोस्तों, ये ए बी सी डी एक ऐसी क्वाड्रिलैटरल है जहां पे वी हैव टू थिंग्स गोइंग ऑन। पहली बात यह है, जो आपकी साइड ए बी है, ए बी, दिस साइड इज पैरेलल टू साइड सी डी। ए बी दोस्तों जो है साइड, दैट इज पैरेलल टू सी डी। एंड सेकेंडली वी हैव बी सी साइड इज पैरेलल टू ए डी। बी सी पैरेलल टू ए डी। सो अगर दोस्तों हमें ये दोनों चीजें दी जाती है, सो हम कहते हैं कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसकी ऑपोजिट, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वी से दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो आपको मालूम है दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें दी गई है। अभी दोस्तों हमें ये प्रूव करनी है दैट द थ्योरम इज टेलिंग इन अ पैरेललोग्राम, कोई भी अगर आप ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब कि हमें ये प्रूव करनी है दोस्तों दैट ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी, ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी। एंड सेकेंडली जो बी सी है, बी सी शुड बी इक्वल टू ए डी, बी सी शुड बी इक्वल टू ए डी। सो दोस्तों ये हमें प्रूफ करनी है। सो चलिए दोस्तों, लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कैन गो अहेड एंड डू दिस। सो हम दोस्तों वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए इसे कहते हैं ए बी सी डी। हम एक ऐसे करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ए बी सी डी। उसके बाद दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू जॉइन ए सी, मतलब वी आर गोइंग टू जॉइन वन ऑफ द डायगोनल्स ए सी। सो अभी दोस्तों हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, वो होगी दोस्तों, अभी यू आर गोइंग टू सी, एक काम करते चलिए दोस्तों, लेट अस कंटिन्यू दिस प्रोसेस। सो अभी आप देखोगे दोस्तों दैट नाउ ये जो साइड है ए बी, इट इज पैरेलल टू सी डी, राइट? बिकॉज वी नो दैट हमारे पास जो है ए बी, नाउ दैट इज पैरेलल टू सी डी। सो दोस्तों अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, अगर आप देखते हो ए सी जो है आपकी, दैट्स ए ट्रांसवर्सल, देन दोस्तों वी नो दैट दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। आप कहोगे क्यों? सिंपल रीजन है दोस्तों, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये दोनों दोस्तों बन गए इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? सो दिस एंगल, चलिए इसे कहते हैं बी ए सी। सो एंगल बी ए सी जो है, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। ना दोस्तों सिमिलरली आप देखोगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, राइट? सिमिलरली वी हैव, और वी कैन से बी सी इज पैरेलल टू ए डी। यू हैव बी सी इज पैरेलल टू ए डी, राइट? और अगेन ए सी जो है आपकी, वो है आपके पास एक ट्रांसवर्सल। सो ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। सो देन दैट गिव्स अस दोस्तों, सो अगर BC पैरेलल टू AD है और AC ट्रांसवर्सल है,
देन ये वाली जो एंगल है दोस्तों शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट एंगल बी सी ए शुड बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, राइट ना दोस्तों. चलिए अगर आप इसे कहते हो दिस इज आर फर्स्ट कंडीशन और दिस इज आर सेकेंड कंडीशन. अभी दोस्तों अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हो, दीज टू ट्राइंगल्स, यहां पे दोस्तों हमारे पास दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड जो साइड है ए सी दैट इज कॉमन. इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल साइड एंगल थियोरम, कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट. सो हमने देखा दोस्तों हमारे पास ट्राइंगल जो है ए बी सी दैट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जो है ए बी सी दैट ट्राइंगल दोस्तों इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, राइट. सी डी ए एज पर द ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल. ना दोस्तों अगर ऐसी बात है देन आपको मालूम है दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों देन दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड. सो ऐसे करके दोस्तों वी कैन प्रूव दैट इन अ क्वाड्रिलैटरल, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी. ना चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, लेट अस राइट दिस लिटिल बिट मोर क्लीनली. सो आपको मालूम है दोस्तों द वे वी स्टार्ट इज हम ऑलवेज लिखते हैं पहले वी गोइंग टू राइट कि हमें क्या दी गई है. सो वी हैव अ पैरेललोग्राम, चलिए इसे लिखते हैं ए बी सी डी, राइट. एंड देन वी राइट कि हमें क्या प्रूफ करनी है. नाउ वी हैव टू प्रूफ, वी नीड टू प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब हमें दिखानी है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी. उसके बाद वी एक्चुअली स्टार्ट द प्रूफ. सो पहले छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी ज्वाइन ए सी ऐसे करके जैसे फिगर में दिखाई गई है. नाउ दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू, चलिए एक काम करते हैं, आई थिंक वी नॉट श्योर वाई दिस वेंट अवे. सो ए बी सी डी यह है हमारी पैरेललोग्राम. नाउ दोस्तों वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड देन वी हैव बेसिकली ड्रॉन अ ट्रांसवर्सल. सो बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए. सो बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है दोस्तों. इसे कहते हैं कंडीशन वन. सो सिमिलरली दोस्तों वी नो दैट बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ठीक उसी रीजन के वजह से दीज टू एंगल्स आर इक्वल. सो दोस्तों पहले वाले को कह रहे हैं कंडीशन वन एंड सेकेंड वाले को कह रहे हैं कंडीशन टू. अगर हमें ये दी गई है दोस्तों, नाउ वी नो दैट इन ट्राइंगल, मालूम नहीं बार बार करके वाई दिस इज गेटिंग वाइप्ड आउट, ए बी सी डी. अभी दोस्तों इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, इन दो ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं दोस्तों कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एंड दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंगल. सो अगर ऐसी बात है दोस्तों देन वी से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, राइट. देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एज पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. सो जो है हमारी ए बी सी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, राइट. एंड दोस्तों अभी बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी दैट इज ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. एंड सो दोस्तों दिस इज हाउ वी प्रूव्ड दैट पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट ओनली पैरेलल बट दे आर ऑल्सो इक्वल. सो दोस्तों होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो
एंड हम आशा करते हैं दोस्तों यू आर फॉलोइंग अस अलॉन्ग. दिस वॉज आर फिफ्थ वेबिसोड. हम आशा करते हैं दोस्तों आपने पहली चार वेबिसोड्स देखी है ऑन दिस सीरीज. इफ नॉट वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू को टेक अ लुक एट इट. एंड दोस्तों लाइक वी ऑलवेज से, अगर आपके मन में कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. आप बेझिझक आप हमें सेंड अस योर कॉमेंट्स, सेंड अस योर क्वेश्चन एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चन, प्रोवाइड यू दोज क्लैरिफिकेशन. सो आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.